आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या एक QSR या फिर एक रेस्टोरेंट, एक डाइनिंग रेस्टोरेंट या फिर कोई ऐसा किचन जो कि फ्रंट पे है वो एज अ क्लाउड किचन काम कर सकता है। तो आंसर है सिंपल यस, बट यहाँ पे हम आपको कुछ सजेशंस देने वाले हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है आपके रेस्टोरेंट का, कैफ़े का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है आपके क्लाउड किचन से। सेम चीज़ें यूज़ करके आप क्लाउड किचन के बिजनेस को नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय क्लाउड किचन भी काफ़ी बूम पे है अगर आप कॉमर्शियली कर रहे हो। पर उसको समझना, क्योंकि एक डिफरेंट गेम हो जाता है, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड किचन के आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट जनरेट कर पाए। यहाँ पे हम आपको कुछ सजेशंस देने वाले हैं जिनका कि यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको बेनिफिट ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे है आपको जो एंट्री है अपने राइडर्स की, स्विगी जोमेटो के जो भी राइडर्स आ रहे हैं उनकी सेपरेट कर देनी है। ये ना हो कि आपके काउंटर पे वो आके खाना लेके जा रहे हैं। छोटे QSR होते हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, 12-15 हमारे पास चेयर होती हैं। अगर हमारे ऑर्डर्स अच्छे आने लग गए तो 6-7 तो राइडर्स ही आपके वहाँ पे आ जाएंगे, या फिर वो आपके शॉप के बाहर पे खड़े हो जाएंगे। शॉप के बाहर खड़े हैं वो ज़्यादा बेटर है, पर वो अंदर आने लगते हैं तो उससे क्या होता है, आपके अंदर रेस्टोरेंट के अंदर जगह ही नहीं बचती है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका किचन बैकेंड साइड पर है वहाँ से आप एक सेपरेट एंट्री बना दीजिए, जहाँ पर कि आपका कोई बंदा उनको वहीं से ही टैकल कर रहा है, वो प्रॉपरली आपके रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ रहे। अंदर आते हैं तो गंदगी होगी, क्योंकि पैरों के द्वारा गंदगी होगी, और जितनी आवाजाही होती है उतनी ज़्यादा गंदगी ही होती है। आजकल गर्मी का समय है, उतने ज़्यादा आपका ह्यूमिडिटी अंदर फैल जाती है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा माहौल, अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, एम्बियंस होता है, वो भी ख़राब होता है। इवन जो कस्टमर बैठे रहते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम होती है, तो सेपरेट उनकी आपको एंट्री रखनी है। इसके बाद दूसरा है, आपको अगर आप चाहें तो सेपरेट फसाई भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक क्लाउड किचन में हम लोग कई सारे क्लाउड किचन चलाते हैं। आपको ये भी मालूम होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि एक रेस्टोरेंट है, मान लीजिए कोई एक इंडियन किचन का खाना बेच रहा है या कोई रोल बेच रहा है, आप देखेंगे उस जगह पे 6-7 रोल्स के आउटलेट्स हैं। आउटलेट्स मतलब क्लाउड किचन है, स्विगी जोमेटो पे हैं, फिजिकली नहीं है, पर वही सारे के सारे आउटलेट्स सेम एक ही किचन से ऑपरेट हो रहे होते हैं। उन्होंने सेपरेट करके अपने फसाई लाइसेंस लिए होते हैं और उनकी वहाँ पे आप बोल सकते हैं टाई अप्स कराए होते हैं, सारा खाना एक जगह से ही जा रहा होता है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे सेम खाने को 5 अलग अलग ब्रांड से क्रिएट करके सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मल्टी कुजीन खाना है तो आप उनकी सेपरेट आइडेंटिटी बना के अपने स्विगी या जोमेटो पे लिस्ट कर सकते हैं। हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग मेन्यू है आपके रेस्टोरेंट में सेम वही आप ना दें, क्योंकि वो जो आपने सोच के रखा है वो अपने कस्टमर के हिसाब से सोच के रखा है। बट वहीं अगर वही सेम प्राइस के साथ अगर आप ऑनलाइन दिखा रहे होते हो तो कस्टमर नहीं आता है, क्योंकि उसको वो बहुत ही ज़्यादा महंगा लगता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे आती है आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब है आप अपना इंस्टाग्राम पेज चला रहे हो, फेसबुक का पेज चला रहे हो, ठीक है, अपने सोशल मीडिया के पेजेस को हैंडल कर रहे हो, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, पैम्पलेट्स आप बांट रहे हो, वो आप कर रहे थे किनके लिए, आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए जो कि आपकी इधर डाइनिंग करते हैं, आपकी इधर बैठ के आके खाते हैं। पर क्लाउड किचन के लिए कम्प्लीटली सेपरेट है। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे ही करनी है। आप ये मत सोच लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे डाल देंगे कि भाई ऑर्डर स्विगी थ्रू स्विगी, तो आपके पास स्विगी से ऑर्डर आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको बजट खर्च करना है वो आपको स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे ही खर्च करना है, या फिर आपको अपने गूगल एड्स चलाने हैं जो कि आपके यूट्यूब पे आते हैं, या फिर अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं वहाँ पे आते हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर आ सकते हैं। ये सोच के कि आप फेसबुक पे या फिर फेसबुक पे के जो पेज पे सिर्फ एक पोस्ट डाल के अपने ऑर्डर वहाँ से बढ़ा पाएंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से मतलब है जो आप अपने डाइनिंग कस्टमर के लिए प्राइस रख रहे थे वही सेम आप अपने ऑनलाइन पे नहीं रख सकते हो, स्विगी जोमेटो पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे आप सेम प्राइस रखोगे कस्टमर को ऑलरेडी वो महंगा पड़ता है, तो वहाँ पे आपको अपने प्राइस भी कम रखने हैं, अपने लिए मार्जिन्स भी रखने हैं, क्योंकि अगर आप सब कुछ 30% स्विगी जोमेटो को दे दोगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ का मेन्यू अलग हो, वहाँ का मेन्यू अलग हो, और उनके प्राइजेस भी डिफरेंट हो।
आप चाहे तो एक सेपरेट मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ अपने ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए आप अपना सेपरेट मेन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए छोटा मेन्यू होना चाहिए, ऑफलाइन का तब भी आपका थोड़ा बड़ा चल जाता है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी आपको अपनी डिफरेंट वहाँ पे रखनी है। इसके बाद पैकेजिंग चार्जेस की बात आ जाती है। ऑफलाइन में अगर आप चाहे तो पैकेजिंग चार्ज भी लगाते हैं या फिर आपके सर्विस चार्ज भी लगाते हैं, बट ऑनलाइन में भी आप लगा सकते हैं, सर्विस चार्ज वहाँ नहीं लगता है। आप वहाँ पे अपने पैकेजिंग चार्ज लगाते हैं, पर पैकेजिंग चार्ज लगा के लोग थोड़ा बोलते हैं यार क्यों मैं पे करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं, आप एक सिंगल आइटम में लगा सकते हैं या फिर एक पूरे के पूरे ऑर्डर पर कोई प्राइस लगा सकते हैं, 100 रुपये, 150 रुपये, 15 रुपये, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग स्लैब्स होती हैं जो स्विगी जोमेटो अवेलेबल होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको आपकी खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी है, सिर्फ स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे नहीं आपको रहना है, आपको अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी है। वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि कस्टमर को जो स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे भी हैं वो भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और आप अपने सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कि फिर आप अपने कस्टमर को सर्व कर पा रहे हैं अपने राइडर्स के द्वारा। ये एक सही तरीका होता है अपने ऑनलाइन कस्टमर को भी टैकल करने का, क्योंकि जब आपका डाटा, जब उनका डाटा आपके पास आ रहा है तो आप उनको फिर से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ऑफलाइन बिल्कुल अलग है, ऑनलाइन बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन जैसे कर रहे हैं आप करते जाइए, जो भी ट्रेडिशनल तरीके अपनाते जाइए, बट ऑनलाइन में आप नई नई आइडेंटिटी क्रिएट करते जाइए। भाई अभी मैंने इसका खोल लिया है, आउटलेट मैंने उसका खोल लिया है, स्विगी जोमेटो से टाई अप्स करने हैं और अपनी सेल्स करनी है, और फिर उनको रिडायरेक्ट करना है अपने वेबसाइट के ऊपर। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो आपके क्लाउड किचन से रिलेटेड, नीचे लिखिएगा। ये क्लाउड किचन की मास्टरी क्लास चल रही है जिसमें हम लोग क्लाउड किचन की इस मंथ में पूरी वीडियोस आपको देने वाले हैं। अगर इस मंथ नहीं पूरी हो पाई तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में भी ये सारी वीडियो देंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, हमें नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।